रामधारी सिंह दिनकर वो कवि हैं जिनकी कविताएं किसी सोए हुए व्यक्ति को भी सुना दी जाएं तो वो तक्षण उठ बैठेगा और हुंकार उठेगा। लेकिन इस कविता में दिनकर इस बात से चिंतित लग रहे हैं कि जवानों में जोश नहीं बचा है, हर ओर एक निराशा सी छाई हुई है, इसलिए वे अपनी पंक्तियों के माध्यम से आग की भीख मांग रहे हैं। आग की भीख। धुंधली हुई दिशाएं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है, दाता पुकार मेरी संदिप्त को जला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ, चढ़ती हुई जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ, बेचैन है हवाएं सब और बेकली है, कोई नहीं बताता किश्ती किधर चली है, मंझधार है भंवर है या पास किनारा है, ये नाश आ रहा है या सौभाग्य का सितारा है, आकाश पर अनल से लिख दे अदृष्ट मेरा, भगवान इस तरी को भरमा न दे अंधेरा, तम बेधनी किरण का संधान मांगता हूँ, ध्रुव की कठिन घड़ी में पहचान मांगता हूँ, आगे पहाड़ को पा धरा रुकी हुई है, बल पुंज केसर की ग्रवा झुकी हुई है, अग्नि स्फुति लिंग सज का बुझ ढेर हो रहा है रो रही जवानी अंधेरा हो रहा है, निर्वाक है हिमालय गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, पंचास्य नाद भीषण विकराल मांगता है, जड़ता विनाश को फिर भूचाल मांगता है, मन की बंधी उमंगे असहाय जल रही हैं, अरमान आरजू की लाशें निगल रही हैं, भीगी खुलती पलकों में रातें गुजारते हैं, सोती वसुंधरा जब तुमको पुकारते हैं, इनके लिए कहीं से निर्भीक तेज ला दे, पिघले हुए अनल का इसको अमृत पिला दे, उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ, आंसू भरे द्रगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे श्मशान में आशंगी जरा बजा दे, फिर एक तीर सीनों के आर पार कर दे, हिमशीत प्राण में फिर अंगार स्वच्छ भर दे, आमर्श को जगाने वाली शिखा नहीं दे, अनुभूतियां हृदय में दाता अनल मई दे, विष का सदा लहू में संचार मांगता हूँ, बेचैन जिंदगी का मैं प्यार मांगता हूँ, ठहरी हुई तरी को ठोकर जरा लगा दे, जो राह हो हमारी उस पर दिया जला दे, गति में प्रबंधनों का आवेग फिर सवल दे, इस जांच की घड़ी में निष्ठा कड़ी अचल दे, हम दे चुके लहू हैं तू देवता, विभा दे अपने अनल विशिक से आकाश जगमगा दे, प्यारे स्वदेश के हित वरदान मांगता हूँ, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूँ। आखिरी बात, कवि शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर इस बात से कम व्यथित हैं कि कहीं कोई हलचल नहीं है, सब थम सा गया है। वे इस बात से कहीं ज्यादा व्यथित हैं कि बदलाव की पहल भी दिखाई नहीं दे रही है, हलचल भी सुनाई नहीं दे रही है, तभी तो वे कहते हैं, आंसू भरे द्रगों में चिंगारियां सजा दे, मेरे श्मशान में आशृंगी जरा बजा दे, और ये भी कहते हैं, उन्माद बेकली का उत्थान मांगता हूँ, विस्फोट मांगता हूँ, तूफान मांगता हूँ।